इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव। तो बड़ी जानकारी, सीएम योगी विशेष पूजन अर्चना यहां पर करेंगे। गोरक्ष पीठाधीश्वर अपने शिष्यों को देंगे आशीर्वाद। तो सीएम योगी 1500 लोगों को आशीर्वचन देंगे। नाथ योगी, साधु संन्यासी समेत बीजेपी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मंदिर में कई समाज के लोगों का तांता लगा हुआ है। तो गुरु पूर्णिमा का आज खास मौका, महासंयोग इस दौरान। और ये बड़ी जानकारी, तो गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के उत्सव को लेकर खास तैयारी की गई है। सीएम योगी यहां पर विशेष पूजा अर्चना यहां पर करेंगे। तो वहीं गोरक्ष पीठाधीश्वर अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। सीएम योगी 1500 लोगों को आशीर्वचन देंगे। तो नाथ योगी, साधु संत, समाज के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो मंदिर में कई समाज के लोगों और श्रद्धालुओं का तांता। और गोरक्षपीठ में मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का पर्व। बड़ी जानकारी, सीएम योगी करेंगे मंदिर में विशेष पूजा अर्चन। तो बता दें कि गोरक्षनाथ बाबा की विशेष पूजा अर्चना यहां पर उनकी तरफ से की जाएगी। तो गोरक्षनाथ बाबा को चढ़ाएंगे रोट का महाप्रसाद। तो प्रसाद चढ़ने के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत होगी। मंदिर में सभी देव विग्रह और समाधियों पर भी पूजन यहां पर किया जाएगा। तो गोरक्षनाथ बाबा को रोट का महाप्रसाद यहां पर चढ़ाया जाएगा। सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद हैं और आज गुरु पूर्णिमा का खास महासंयोग। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे गोरक्षपीठ की गुरु शिष्य परंपरा। तो बता दें कि गोरक्षपीठ और गुरु पूर्णिमा का अटूट नाता गुरु परंपरा से ही नाथ परंपरा की आगे जो है वो बड़ी है। बता दें कि महंत दिग्विजयनाथ महंत अवैद्यनाथ ने परंपरा को आगे पढ़ाया है। तो गोरक्षपीठ में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, ये हम आपको बता रहे हैं पॉइंटर्स के जरिए। तो गोरक्षपीठ की गुरु शिष्य परंपरा पूरी दुनिया में मिसाल है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने लोक कल्याण के काम किए हैं। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो ये आपको पॉइंटर्स के जरिए पूरी जानकारी। तो आज गुरु पूर्णिमा का खास मौका, महासंयोग यहां पर बन रहा है। तो आपको बता दें अवैद्यनाथ ने अपने गुरु के कार्यों को विस्तार दिया है। शिक्षा, चिकित्सा, सेवा के सभी प्रकल्पों को नया आयाम उनकी तरफ से। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक गोरक्षपीठ के महंत हैं। तो सीएम योगी भी सहभोज में शामिल होंगे। तो गोरक्षपीठ और गुरु पूर्णिमा का अटूट नाता है। ये आपको हम पूरी जो परंपरा है गुरु और शिष्य की, जो परंपरा गोरक्षपीठ की है वो आपको बता रहे हैं। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैद्यनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गोरक्षपीठ की गुरु शिष्य परंपरा पूरी दुनिया की अगर बात करें तो मिसाल है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने लोक कल्याण के काम यहां पर किए। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। महंत अवैद्यनाथ ने अपने गुरु के कार्यों का विस्तार दिया है। तो देश में मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पर्व। तो गंगा स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा है। गुरु की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा। तो गुरु पूर्णिमा पर बन रहे हैं अद्भुत संयोग। और ऐसे में पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा की जो रौनक है, धूम देखने को मिल रही है। गंगा स्नान के लिए भक्तों का तांता यहां पर गंगा घाटों पर देखा जा रहा है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारी। तो पूर्णिमा का पर्व, गंगा स्नान के लिए तांता जो भक्तों का लगा हुआ है, भीड़ लोगों की जो है वो मर रही है। तो गुरु की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा का अपना महत्व इस अद्भुत संयोग में। तो आज गुरु पूर्णिमा का खास मौका, इस खास अवसर पर महासंयोग बन रहा है। और आज के दिन पूजा विधि का अपना एक महत्व होता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर, एसएसपी ने पुलिस बल के साथ की पैदल गश्त। तो कानून व्यवस्था और सुरक्षा